नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, केवल मन की बात नहीं होगी, जनता की आवाज सुनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार के इतिहास में सबसे युवा मंत्री बने विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब केवल मन की बात नहीं होगी, कांग्रेस सरकार जनता की आवाज सुनेगी। हर पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की आत्मा को आज सुकून मिला होगा। विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की बात दोहराई। हिमाचल के सात जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली। अटल टनल और रोहतांग दर्रे के साथ जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सोमवार को ताजा बर्फबारी हुई। कांगड़ा जिले में धौलाधार की पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हुआ। चंबा के पांगी और ऊपरी इलाकों में भी बर्फ की चादर उड़ी दिखी। बर्फबारी की वजह से पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला बैरियर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में मारपीट करने पर 6 महिलाएं गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में सोमवार सुबह दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ। ये झगड़ा बाद में मारपीट में बदल गया, जिसे शांत करवाने के लिए पुलिस थाना धर्मशाला की टीम को बुलाना पड़ा। पुलिस ने लड़ाई झगड़ा करने पर 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं एसडीएम कार्यालय परिसर में भीड़ बढ़ती देख QRT को भी बुलाना पड़ा। जानकारी के अनुसार एसडीएम कार्यालय धर्मशाला के परिसर में पेशे के लिए युवक और युवती के परिजन आए हुए थे। भाग न जाए इसलिए बनाए 6 मुख्य संसदीय सचिव, डिप्टी सीएम पर भी कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव इसलिए बनाए ताकि ये भाग न जाए। पहले भी कांग्रेस सरकार ने 9 CPS बनाए थे। असम सरकार ने CPS और PS के लिए जो एक्ट बनाया उस पर गुवाहाटी के हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या विधानसभा को इसे बनाने का अधिकार है। धुंध ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, 2 घंटे देरी से पहुंची हिमाचल एक्सप्रेस। उत्तर भारत में पड़ रही कोहरे की मार रेल यात्रियों पर भारी पड़ रही है। विशेषकर दिल्ली से ऊना आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए धुंध परेशानी का सबब बन गई। एक बार फिर से सोमवार को ऊना रेलवे स्टेशन पर आने वाली 5 ट्रेन निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे देरी से पहुंची। रविवार को भी करीब 4 ट्रेन की रफ्तार पर धुंध का असर दिखा। इससे लग्जरी ट्रेन वंदे भारत और हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंची। सीमेंट प्लांट शुरू करने की मांग को लेकर जेपी नड्डा से मिले ट्रक ऑपरेटर। सीमेंट प्लांट दोबारा शुरू करवाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। ट्रक ऑपरेटर्स और BDTS के सदस्यों ने नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। उनका कहना था कि सीमेंट ढुलाई का किराया 2005 में फॉर्मूला बनाकर तय किया गया। अदानी समूह से पहले जो भी ACC सीमेंट प्लांट का मालिक रहा उसने इस तय फॉर्मूले के अनुसार ही किराया दिया। ये फॉर्मूला भी प्रशासन के मध्यस्थता में प्लांट प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स ने मिलकर बनाया है। लेकिन ऑपरेटर्स ने अदानी समूह ने जब ये प्लांट खरीदे तब से ये समस्या आई। 10 सीट्स दिलाने वाले कांगड़ा जिले को पहली सूची में नहीं मिली तवज्जो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंत्रिमंडल की पहली सूची में कांगड़ा जिले को तवज्जो नहीं मिली। सरकार चुनने के 1 माह के बाद मंडी और बिलासपुर जिले को अभी तक मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। वहीं शिमला और सोलन जिले को खास तरजीह दी गई। सुंदरनगर में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 2.5 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में रविवार आधी रात को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रात 12:42 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 मापी गई। इसका केंद्र सुंदरनगर के पास DPF बैरकोट के निकट और मंडी शहर के 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 31.52 उत्तरी अक्षांश और 76.80 पूर्वी देशांतर पर 3.3 किलोमीटर की गहराई में था। क्रिकेट फील्ड में तहलका मचा रही हिमाचल की एक और बेटी। हिमाचल की एक और बेटी क्रिकेट में तहलका मचा रही है। शिमला की ऑलराउंडर सिया भरवाल इन दिनों बेंगलुरु में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। बेंगलुरु में आयोजित अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में उन्होंने दमदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।
खाना न मिला तो युवक ने कैफे संचालक की टांग पर दाग दी गोली। फरार आरोपी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली के वाम तट मार्ग पर जगत सुख में खाना न मिलने पर नशे में धुते के स्थानीय युवक दबंगई पर उतर आया। उसने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली चला दी जो कैफे संचालक की टांग पर लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया है। इशिता ने BAMS की परीक्षा में हासिल किया गोल्ड, परिवार में खुशी की लहर। घुमारवी के मरहाना पंचायत के पपलाह गांव की इशिता शर्मा ने BAMS की परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो आयुर्वेदिक कॉलेज मुक्तसर पंजाब से BAMS कर रही थी। शुरू से ही विश्वविद्यालय में टॉप किया। इशिता ने 10वीं तक शिक्षा SVM स्कूल भराड़ी और 12वीं की शिक्षा मेडिकल संकाय से प्राप्त की है। मार्च में ली जाएंगी समर वेकेशन स्कूल्स की नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से समर वेकेशन स्कूल की तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षा की डेटशीट जारी करने के बाद अब समग्र शिक्षा अभियान भी नॉन बोर्ड कक्षाओं की डेटशीट जल्द जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि उक्त स्कूल में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 10 मार्च के बाद ली जा सकती हैं। हालांकि अभी इसकी तिथि फाइनल नहीं हुई। 2500 छात्राओं के लिए गणित फाउंडेशन कार्यक्रम शुरू। 4 महीने तक दी जाएगी निशुल्क कोचिंग। सरकारी स्कूल्स के 2500 छात्राओं के लिए सोमवार को गणित फाउंडेशन कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया। ये कार्यक्रम उच्च शिक्षा निदेशालय में लॉन्च किया गया। इसमें शिक्षा विभाग के अलावा अवंती फेलो के पदाधिकारी शामिल रहे। जिले के उप निदेशक भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। अवंती फेलो ने शिक्षा विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया है। खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत। चंबा जटकरी मार्ग पर लांघा के निकट एक पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौत हुई। चालक की पहचान अनिल कुमार पुत्र भोलाराम निवासी गांव जटकरी डाकघर भड़िया कोठी के रूप में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गश्त के दौरान चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 44 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पतली कूहल पुलिस गश्त के दौरान जब कुल्लू मनाली हाईवे पर बने पतली कूहल फ्लाईओवर पर पहुंची तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 44 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। अभियुक्त दीपक चुढ़ाना गुहाना खानपुर जिला सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल व केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र कुमार सहित हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, राकेश कांस्टेबल हरीश व खुशाल सिंह इस दौरान पेट्रोल कक्ष में साथ थे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।